नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जियो F220B मॉडल की फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम 100% सॉल्यूशन दिखाऊंगा। दोस्तों, इस मोबाइल के बारे में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं जियो F220B मॉडल की फास्ट चार्जिंग को कैसे सॉल्व किया जाए और स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो आप इस मेथड को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस मेथड को करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 16% चार्ज दिखा रहा है। इसमें तो पहले 0% चार्ज था। मैंने इस बैटरी को यूनिवर्सल बैटरी चार्जर से 16% चार्ज किया। दोस्तों, चलिए पहले मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन 4148 का जीनर डायोड यूज़ करते हैं और उसमें क्या होते हैं, जीनर डायोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने के बाद जल जाते हैं और बैटरी चार्ज भी नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जियो का F220B मॉडल है और अभी इसको ओपन करेंगे। दोस्तों, मोबाइल को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले चार्जिंग कनेक्टर को देखना है। अगर चार्जिंग कनेक्टर में कार्बन जम गया है तो पहले चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेस कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस करने के बाद ही फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है। मैंने इस चार्जिंग कनेक्टर को देखा है, ये बिल्कुल नया है और क्लीन है, तो इस चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अभी हम इसमें चार्जिंग केबल कनेक्ट करके सप्लाई को चेक करेंगे, इनमें सही वोल्टेज इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए मीटर को DC20 में सेट करेंगे और इसके बाद चार्जिंग कनेक्टर में जो वोल्टेज इनपुट हुआ है उसको चेक करेंगे। तो इसके लिए हम मीटर ब्लैक प्रोब को डायोड की इस सेट में रखेंगे और रेड प्रोब को इस सेट में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो चार्जर से इनपुट वोल्टेज है वो तो यहाँ पे सही दिखा रहा है, देखिए 5 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। और अभी बैटरी कनेक्टर में जो वोल्टेज आउटपुट होते हैं उसको रीडिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए वो बिल्कुल सही दिखा रहा है, फिर भी जो मोबाइल में चार्जिंग परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा विस्तार में नहीं बोलूँगा, क्योंकि जियो की सभी कंपोनेंट मार्केट में नहीं मिलते हैं। अभी मैं इसकी डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाऊंगा, तो इसके लिए पहले चार्जिंग केबल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोगों को डायोड दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको पहले आपको रिमूव कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले इस डायोड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों, डायोड जो हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है और अभी हम डायोड की एनोड और कैथोड साइड को फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो आप लोग डायोड को देख के फाइंड आउट कर पाएंगे किस साइड में एनोड और किस साइड में कैथोड है। आप लोग तो जानते होंगे डायोड की जिस साइड में एक मार्क दिया हुआ रहता है उस साइड को कैथोड और डायोड की जिस साइड में ब्लैंक है उस साइड को एनोड बोलते हैं। अगर ये सब आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको यहाँ पे
डिजिटल मल्टीमीटर से डायोड की एनोड और कैथोड साइड को फाइंड आउट करने की तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो डायोड है इसकी देखिए, इस साइड में मार्क नज़र आ रहा है, तो इस साइड को कैथोड बोलते हैं और इसकी जो अपोजिट साइड है उसको एनोड बोलते हैं। अगर आपको ये मार्क नहीं नज़र आ रहा है तो इसको डिजिटल मल्टीमीटर से किस तरह फाइंड आउट करना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, और उसके बाद हम इसके ज़रिए मोबाइल चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एनोड और कैथोड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यू में सेट करना है। और अभी हम डायोड को रीडिंग करके देखते हैं। और देखिए दोस्तों, इस साइड में रीडिंग नहीं आ रहा है। और अभी हम मीटर प्रोब को साइड चेंज कर लेते हैं, रेड को इस साइड में और ब्लैक को इस साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी रीडिंग आ रहा है, यानी डायोड की इस साइड में एनोड है और इस साइड में कैथोड है, ठीक है। तो इस तरह डायोड की एनोड और कैथोड साइड को फाइंड आउट करने के बाद इस डायोड को पीसीबी के साथ जोड़ेंगे, और इसको किस तरह जोड़ना है वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। दोस्तों, हमने तो यहाँ पे डायोड को फाइंड आउट कर लिया है, डायोड की इस साइड में एनोड है और इस साइड में कैथोड है। अभी हम इस डायोड की पहले साइड चेंज कर लेंगे। तो अभी हमारा डायोड की इस साइड में एनोड हो गया और इस साइड में कैथोड, और अभी डायोड की एनोड साइड को इस पॉइंट के साथ जोड़ेंगे, और इसको किस तरह जोड़ना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। डायोड एनोड लेग को इस पॉइंट के साथ जोड़ने के लिए डायोड लेग को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे, ताकि डायोड की इस साइड की पॉइंट पीसीबी पॉइंट के साथ टचिंग ना रहे। दोस्तों, डायोड जो हमारे यहाँ पे सोल्डिंग हो चुका है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको डायोड की जो एनोड साइड है, एनोड साइड को आपको सिर्फ इस पॉइंट के साथ जोड़ना है, ठीक है, और इस साइड को आपको छोड़ देना है, इस साइड में सोल्डिंग नहीं करना है। और अभी एक जम्पर करना है, तो एक जम्पर ले लेते हैं। दोस्तों, जम्पर आपको कहां से कहां तक करना है वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ। यहां पे देखिए, जम्पर को आपको डायोड कैथोड पॉइंट से लेके बैटरी कनेक्टर की प्लस पॉइंट तक जोड़ना है, तो मैं यहां पे जम्पर को जोड़ लेता हूं। दोस्तों, डायोड की इस साइड में आपको ध्यान में रखना है, पीसीबी में जो पॉइंट्स है उसके साथ डायोड की इस पॉइंट से टचिंग नहीं रहना चाहिए।
देखिए बैटरी कनेक्टर की प्लस पॉइंट से लेके डायोड की इस पॉइंट तक इस तरह जम्पर कर लेना है और अभी चार्जिंग केबल कनेक्ट करके देखते हैं बैटरी कनेक्टर में कितने आउटपुट आ रहा है। अभी यहाँ पे दिखिए दोस्तों बैटरी कनेक्टर में 4.7 आउटपुट आ रहा है और इसके हिसाब से बैटरी में 100% चार्ज होनी चाहिए। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे चार्जिंग परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। और अभी यहाँ पे दिखिए दोस्तों चार्जिंग परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह आप लोग जियो F220B मॉडल की फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल के साथ बताया है और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने हमारे चैनल में पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।